dear students, in this module we are going to talk about the social influence that uh, how social influence is important in defining the different characteristics or certain characteristics of a society. Uh, in the modern world, it becomes very easy to understand. That social influence is have significant ड्यू टू द इम्पेक्ट ऑफ सोशल मीडिया हम ये देखते हैं कि हमारे जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो आपको बहुत से लाइफ एस्पेक्ट के अंदर आपके ओपिनियन मेकिंग में एक प्रीडोमिनेंट रोल प्ले कर रहे हैं तो हर सोसाइटी जो है खबर ट्रेडिशनल सोसाइटी थी या ये मॉडर्न सोसाइटी है हर सोसाइटी में जो एक सोशल इन्फ्लुएंसिंग है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती रही है सोशल इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो डिफरेंट मैकेजम्स डिफरेंट मीन्स को यूज करते हुए सोसाइटी के जो बाकी मेंबर्स हैं उनको किसी न किसी अंदाज से उनकी ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस करते रहे हैं है सोशल इन्फ्लुएंस इज द चेंज इन द बिहेवियर डेट वन पर्सन कॉजेज टू अनदर वेदर इंटेंशनली और अन इंटेंशनली एज अ रिजल्ट ऑफ द वे द चेंज इज प्रसिव्ड बाय द पर्सन हिमसेल्फ इन रिलेशनशिप इन रिलेशनशिप टू द इन्फ्लुएंसर सोसाइटी इन जनरलो इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिकार्ट ऑफ द सोशल इन्फ्लुएंसिंग तो हम uh, जब सोशल इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो uh, हमें ये uh, देखना पड़ेगा कि सोशल इन्फ्लुएंसर्स जो है वो किस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं uh, इसमें आपको बहुत uh, जो uh, आज प्रीडोमिनेंट रोल प्ले करते हुए मिलते हैं वो आपका सोशल मीडिया है वो आपका प्रिंट वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसके साथ साथ आपके टीचर्स जो होते हैं वो भी सोशल इन्फ्लुएंसिंग uh, करते हैं uh, आपके पेरेंट्स भी आपके लिए मोरलेस सोशल इन्फ्लुएंसर्स का रोल प्ले करते हैं एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जिनसे आप डोलेसेंट पीरियड के दौरान बहुत कुछ सीखते हैं या बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं मुतासर होते हैं वो आपका पीयर ग्रुप होता है आपके एज फेलोज होते हैं जिनसे आप डिफरेंट लाइफ एस्पेक्ट्स के ऊपर जो है वो आ, ना सिर्फ गाइडेंस लेते हैं बल्कि उनकी ओपिनियन को एक वैल्यू देते हैं और इसी तरह से हम क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में मौजूद हैं इस सोसाइटी के हवाले से हम देखते हैं कि आ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो इन्हीं सोशल इन्फ्लुएंसर्स को एम्प्लॉय करके यूज़ करके आपकी ओपिनियन मेकिंग करता है कंज्यूमर बिहेवियर जनरेट करता है आपको परसुएट करता है सर्टन प्रोडक्ट्स को परचेज करने बाय करने के लिए तो ये भी इस टाइप ऑफ सोशल इन्फ्लुएंसिंग ऑन यू एंड सर्टन जो इसके uh, जो एस्पेक्ट हैं जैसे सोशल इन्फ्लुएंस ऑफ अ ब्रांड और अ कम्युनिटी ब्रांड से मुराद ये है कि जैसे आप मुख्तफ ब्रांड्स के एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं और वो आपको थ्रू सर्टन पावरफुल और द इम्पोर्टेंट पीपल ऑफ सोसाइटी के थ्रू जो है वो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है कम्यूनिटी के हवाले से भी जो है वह सर्टन कम्युनिटी लीडर्स जो होते हैं जैसे पोलिटिकल लीडर्स होते हैं रिलीजस लीडर्स होते हैं तो वो भी आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस या इफेक्ट करने की कोशिश करते हैं एंड देन सी ऑनलाइन प्रोडक्ट रेटिंग्स जो हैं आजकल चूंकि ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड है तो इसके हवाले से भी हम देखते हैं कि जो वो uh, जो कंज्यूमर रेटिंग्स होती हैं, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनंग योर ओपिनियन और इन परसुडिंग यू टू परचेज दैट प्रोडक्ट तो जिस प्रोडक्ट की रेटिंग लो होती है यू आर लेस लाइकली टू परचेज दैट प्रोडक्ट एंड देन द सोशल इन्फ्लुएंस ऑन द रिस्क परसेप्शन ड्यूरिंग द डॉलरसेंट इसमें आपका पीयर ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके दोस्त अहबाब जो हैं वो आपको एडवेंचरिज्म के ऊपर इन्फ्लुएंस एडवेंचर के हवाले से इन्फ्लुएंस करते हैं कि क्योंकि लाइफ uh, का एक एंथुजियास्टिक uh, पीरियड होता है वो और उसमें हम ये देखते हैं हम uh, मुख्तिफ़ चीजों को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं तो आ, आपका जो पेयर ग्रुप है वो इस हवाले से एक इंफ्लुएंसिंग रोल प्ले करता है और फिर सोशल इंफ्लुएंस ऑन योर प्लेयरेबल और डोमेस्टिक एक्सपीरियंसिस होते हैं जैसे मूवी कल्चर है ड्रामा कल्चर है कॉमेडी कल्चर है इसके हवाले से दीज आर द्लेयरेबल एक्टिविटीज तो इन में वी आर मोर लाइकली टू एंगेज इन एक्टिविटीज़ और मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग योर माइंड अबाउट दैट Uh, इससे पहले जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज थी उसमें हो सकता है कि प्लेयर जो है वो डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से सीख की जाती हो या रीडिंग से सीख की जाती हो सो अल्टीमेटली योर बिलीव्स, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स आर ऑल शेप्ड बाय दी सोशल इन्फ्लुएंसर्स